एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का वीडियो भी होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज भी मैं आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लेके आई हूँ जो कि मैट्रिक्स कंपनी का है। तो मेरे पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जो कि आज के वीडियो में आप देखेंगे, और डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं अपने हेयर पे दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कह दूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हेयर की प्रॉब्लम से या हेयर से रिलेटेड कुछ भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है मैट्रिक्स बायोलॉज का। ये डीप ट्रीटमेंट्स हैं, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट हैं, जो कि आज के वीडियो में मैं इनका यूज़ करना आपको बताऊंगी। और ये एक तरीके से डीप ट्रीटमेंट पैक्स हैं, तो हेयर की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दूर करने वाला है। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दूं कि ये प्रोडक्ट हैं कैसे। तो ये हैं मैट्रिक्स बायोलॉज के ये डीप पैक्स हैं, जिनको आप आफ्टर शैम्पू यूज़ करेंगे। और किस टाइप के हेयर के लिए कौन सा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, फॉर फ्रिजी हेयर या का अलग प्रोडक्ट है, लाइक ये येलो पैक में आएगा। और अगर आपके नॉर्मल हेयर हैं, केमिकल ट्रीटेड हों या नॉर्मल हेयर हों, कई बार आप इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि मैम मैंने कोई केमिकल नहीं किया है तो मैं क्या यूज़ करूं। तो केवल आप अपने प्रॉब्लम्स को कंसर्न करें, जैसे कि फ्रिजी हेयर हैं तो आप ये डीप ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे शैम्पू के बाद। शैम्पू आपको मैट्रिक्स बायोलॉज का ही यूज़ करना है, ये प्रोडक्ट से इसी का ही रेंज में शैम्पू कंडीशनर शैम्पू भी आता है। तो पहले आपको शैम्पू करना है, उसके बाद ये डीप ट्रीटमेंट को सेक्शन बाय सेक्शन आपको अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन के बाद जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पे 5 to 10 minutes आपको स्टे करना है, उसके बाद रिंस कर देना है। और ये भी लिखा है कि आप अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, कोई नुकसान नहीं है। और ये भी लिखा है कि आप इसको स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे। और अगर आपके हेयर फ्रिजी उड़े उड़े से बाल हैं तो आप इसको कंडीशनर की जगह आप ये प्रोडक्ट इंक्लूड करें। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है तो एक बार आपको ये भी लेना चाहिए। और अभी आप मेरे हेयर पर इन प्रोडक्ट का रिजल्ट देखेंगे तो जैसा कि आपको आज लग रहा होगा मैं थोड़ी सी ऑयली लग रही हूँ, तो मैं ये ट्रीटमेंट खुद भी अपने हेयर पे लेने वाली हूँ। तो आप देखिएगा प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट देखने के बाद ही आपको सही लगेगा कि प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये है जो इनका ये येलो कलर का पैक है, ये है फॉर फ्रिजी हेयर। और अगर MRP की बात करेंगे तो ये 350 rupees की है, मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला इस प्रोडक्ट पे, तो ये 350 rupees का ही आया है। और ये 100 ml का पैक है। अगर आप ये परचेज करेंगे ऑनलाइन तो आई डोंट नो कि अभी ऑनलाइन ये प्रोडक्ट आया है कि नहीं आया है, अगर लिंक्स मुझे मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज करेंगे। सेकेंड इसका है फॉर ड्राई हेयर, ये ड्राई हेयर के लिए है, ग्रीन से कलर का, अल्ट्रा हाइड्रा सोर्स पैक। अगर ड्राई हेयर हैं इसका मतलब आपके हेयर में वाटर कंटेंट बहुत कम हो गया है, दैट्स वाई इसमें लिखा हुआ है हाइड्रा सोर्स पैक। तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो मेंटेन करेगा वो आपके हेयर में। और एलो और स्पीरुलिना एक्सट्रैक्ट से बना हुआ प्रोडक्ट है, एलोवेरा है इसमें और स्पीरुलिना दोनों ही ग्रीन कलर के प्रोडक्ट होते हैं, स्पीरुलिना एल्गी है। तो ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा होने वाला है, जितनी भी ड्राइनेस है आपके हेयर की वो अच्छे से हटाने वाला है। तो डीप ट्रीटमेंट है फॉर ड्राई हेयर एंड द प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ओनली 350 rupees। तो ये आप प्रोडक्ट लेंगे तो वंस टाइम आपको 25 ml यूज़ करना है। तो अगर आप इसको लेंगे तो ये 4 times मीन्स 1 month आराम से आपका ये प्रोडक्ट चल जाने वाला है। तो ग्रीन कलर का जो प्रोडक्ट है वो है ड्राई हेयर के लिए। नेक्स्ट है इनका ये जो पिंक कलर का प्रोडक्ट है, बायोलॉज कलर लास्ट पैक, कलर लास्ट जिनके हेयर जो कलर ट्रीटमेंट लेते हैं, कलर्ड हेयर हैं, उनको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो मैं भी यही वाला पैक यूज़ करूँगी बिकॉज मैं भी अपने हेयर पे कलर्स लेती हूँ। और ये जो बना है वो है ऑर्चिड और एप्रिकॉट सीड्स से, इसके अंदर एप्रिकॉट सीड्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं
जब मैं करूँगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये पैक है। और जो कॉस्ट है ये भी 350 रुपीज़ का है। तो आज अगर आप देखेंगे तो मैं ये शैम्पू के साथ ये डीप ट्रीटमेंट यूज़ करने वाली हूँ। और अगर आप बात करेंगे पहले क्या होता था इस शैम्पू के साथ, ये आता था, ये कंडीशनर है इसका, ये आता था, लेकिन अभी इन्होंने डीप ट्रीटमेंट भी ला दिया है। तो इसका रिज़ल्ट आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इसको मेरे हेयर पे ट्रीटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेड वॉश करेंगे, और इसके लिए जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप हेयर को वेट कीजिए और डिज़ायर शैम्पू आपको मैट्रिक्स बायोलॉज का ही यूज़ करना है। तो अभी आप देखेंगे मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैट्रिक्स बायोलॉज का कलर लास्ट ऑर्चिड वाला जो शैम्पू है वो यूज़ करना है। और आप इसको कम से कम एक से दो बार शैम्पू ज़रूर करें, बिकॉज़ कई बार होता है कि ऑयल जो होता है वो हेयर से हटता नहीं है, और आप इसके बाद डीप कंडीशनिंग करवा रहे हो अपने हेयर पे, तो इससे पहले ऑयल बिल्कुल हट जाना चाहिए हेयर से। तो इसी तरीके से आप अच्छे से शैम्पू करें और उसके बाद आप जो पैक है वो आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए, इसको मैंने अभी बोल में निकालना है और आगे का प्रोसेस आप देखेंगे मैं कैसे कर रही हूँ। ये ट्रीटमेंट पैक मैंने इस तरह से बोल में निकाल लिया है जैसा आप देख रहे हैं, और सफिशियंट क्वांटिटी आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। और ये प्रोसेस मैं खुद ही कर रही हूँ, तो आप देखेंगे किस तरह से आप खुद भी कर सकते हो कोई भी ट्रीटमेंट हो। सबसे पहले ऑर्नामेंट्स हटा दें। दो पार्टिंग आपको बहुत ही लूजली करनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें कॉम करना है। नॉर्मली आप कीजिए सेक्शन बाय सेक्शन, पतले पतले सेक्शन ले लीजिए। तो आप देखेंगे मैं किस तरह से करती हूँ। ये मैंने दो पार्टिंग कर दी और अभी मैं पतले सेक्शन उठाऊँगी इस तरीके से, है ना, और इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। केवल आपके हेयर की जितनी फ्रिजीनेस है उसको हटा देगा और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हेयर हो जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही लाइट हैंड चलाइएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके आप हेयर पे काम करें। फ्रैग्रेंस बहुत ही प्यारा है और जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो बहुत ही स्मूथ इफेक्ट आ रहा है। जैसा आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, शाइन आपको इस तरह से नज़र आ रही है। तो ये काफ़ी थिक प्रोडक्ट है और मुझे हेयर स्पा क्रीम से थिकनेस भी ज़्यादा लग रही है, और आई थिंक सो रिज़ल्ट भी अच्छा आने वाला है। ये देखिए, तो आपको ये चीज़ बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी ये प्रोडक्ट अभी फ़र्स्ट टाइम ही लिया है। तो आप देखिए किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं केवल रफली हैंड में ही लेके इसको अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर आप खुद कोई भी प्रोसेस करोगे तो आप ब्रश और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। तो मेरी जो फ्रिजीनेस है, जहाँ मैं केमिकल या फिर आप ये कह लो कि मैं जहाँ कलर करती हूँ वो हेयर लेंथ पे ही है, तो मैं अपने केवल उन्हीं एरिया पे पहले अप्लाई करूँगी। उसके बाद जो पार्ट बच जाएगा उसको मैं स्कैल्प पे ले जाऊंगी। तो एक साइड हो गया ऑलमोस्ट, और ऐसे ही मैं सेकेंड साइड भी इधर भी कर लूंगी। तो आप कई बार कहते हैं कि मैम अपने आप कैसे हम करें, आप यही प्रोसेस अपने हेयर स्पा के लिए भी कर सकते हैं जब आप अपना हेयर स्पा खुद करते हैं। और मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपना हेयर स्पा कैसे करें, घर पे भी कैसे करें, और ये प्रोडक्ट तो है ही बेटर, बिकॉज़ इस प्रोडक्ट का नाम ही डीप ट्रीटमेंट है। तो आई थिंक सो कि कुछ अच्छा रिजल्ट आने वाला है हेयर पे। देखिए बिल्कुल लाइट हैंड से मैंने इसको अप्लाई किया है।
थोड़ा सा फ्रिजीनेस आपको हैंड से ही हटाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और बस प्रोडक्ट लीजिए और रफली अप्लाई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से मर्ज कीजिए। बहुत अच्छे से अप्लाई हो जा रहा है। अब मैं प्रोडक्ट को थोड़ा थोड़ा लेके स्कैल्प पे अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरह से मैंने हैंड्स पे ले लिया है और इसको मैं ले जाऊँगी अपने स्कैल्प पे धीरे धीरे। तो जब आप अपने आप करेंगे तो इसी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हेल्पर आपके पास नहीं है। और प्रोडक्ट आपके पूरे हेयर पे जाना चाहिए। अब ये बैक साइड में चली गई है। तो आप देखेंगे मेरे पूरे हेयर पे मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई कर लिया है। और इसके बाद हम वेट करेंगे कम से कम 5 to 10 मिनट, बट मैं ज़्यादा वेट करूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट पूरा का पूरा मेरे हेयर पे आए। तो मैं एटलीस्ट 15 to 20 मिनट इस प्रोडक्ट को अपने हेयर पे रखने वाली हूँ। तो चलिए वेट करते हैं और आफ्टर ड्राई आप रिज़ल्ट देखिए कैसा है इस प्रोडक्ट का। मिलते हैं कुछ देर बाद। तो 15 से 20 मिनट रुकने के बाद मैंने इस पैक को रिंस किया है। रिंस करना है इस पैक के बाद, आपको शैम्पू नहीं करना है, ओनली पैक आपको रिंस कर देना है और ब्लो ड्राई करना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लो ड्राइंग का जो ब्लो ड्रायर का स्पीड रखा था वो नॉर्मल और कोल्ड पे रखा था बिकॉज आपने पैक अप्लाई करवाया है तो बहुत ज़्यादा हीट ना दें, नहीं तो हेयर से मॉइस्चर जो होता है वो हट जाता है। और जब आप फाइनल करने लगे तो थोड़ा सा सीरम ज़रूर अप्लाई करें। तो रिज़ल्ट आपके सामने है पैक का जैसा आप देख रहे हैं। तो डीप कंडीशनिंग पैक है, रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये खुद भी मैंने अपने लिए रख लिया है। और जब मैं कंडीशनिंग करूँगी कंडीशनर की जगह मैं इस पैक को यूज़ करूँगी बिकॉज रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहुत सॉफ्ट हो गए थे हेयर और आप देखें बिल्कुल भी मैनेजेबल इस तरीके से हो गए हैं। तो यस पैक बहुत अच्छा है, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स कंपनी का है। तो अगर आपको परचेज़ करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।